हाँ जी क्लास हार्मोनिक बिल्डिंग का कुछ थोड़ा सा पार्ट था वो रह गया था, तो उसको हम लोग से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसमें हम देखें कि हमारे पास अगर देखें ना अमोनिया, ठीक है, तो हमने बात की क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म और एसिड के दरमियान में किस तरह हार्मोनिक बिल्डिंग जो संदर्भ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो अमोनिया में देखते हैं कि अमोनिया में जो हार्मोनिक बिल्डिंग है वो किस तरह एग्जिस्ट करती है। जो अमोनिया है वो क्या करता है, साथ वाला जो हमारे पास होता है अमोनिया का मॉलिक्यूल वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह जो है क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये होगा हमारे पास अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो सतह है एन, उसके बाद एक एच इधर, एक एच इधर, और एक एच जो है वो इधर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ना तो प्रोटोटाइप में बात करें तो अमोनिया जो है ना वो हमारे पास फ्लोरीन के ज्यादा करीब है। जब फ्लोरीन के ज्यादा करीब है तो इसका मतलब ये होगा कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अमोनिया पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अमोनिया पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास अमोनिया जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो सकता है वो किस तरह क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम जो सकता है कोवलेंट सतह का एग्जांपल लिस्ट कर लेते हैं, वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो सकता है ना वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, जिगजैग मैनर के साथ हमारे पास क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये हो गया फ्लोरीन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फ्लोरीन, इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फ्लोरीन, और इस तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन, और इस तरह हमारे पास क्या करता है, जिगजैग मैनर के साथ अपने साथ क्या करता है, ये अपने मॉलिक्यूल के साथ जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करता है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो एंगल होगा या अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल होता है उसके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, जिगजैग मैनर के साथ जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जिगजैग मैनर के साथ, ठीक है, ठीक है, जिगजैग तरीके के साथ अपने साथ क्या करता है, ये अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर हम देखें प्लॉट टेबल से, ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये वाला फ्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, एचएफ मॉलिक्यूल के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बोर्ड में शॉर्ट का चलाता है, ठीक है, तो इसको जो सकता है हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि वाई जो एच एफ है वो वी एसिड होता है या लो एसिडिक स्टैंड होता है, किससे, एच बी आर से, एच आई से और हमारे पास एच सी एल से, ठीक है। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो एच एफ जो है वो जब वाटर में उसको डिजोल्व किया जाता है वो आसानी से प्रोटोन नहीं देता, मतलब वी एसिड होता है, लो एसिडिक स्टैंड रखता है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें दूसरे मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिव ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तरफ तो स्ट्रक्चर जो होता है फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके अगर बात करें हाइड्रोजन की वो जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भाषा है, तो उसकी जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 होती है, और जो हाइड्रोजन है उसकी हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, जिसकी वजह से हमारे से क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फ्लोरीन क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो क्या करते हैं हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से हाइड्रोजन जो होता है वो इंट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लोरीन के। इंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रैक्ट का मतलब होता है फंस जाना, फंस जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रिमूव कराना हमारे पास यहां से क्या होगा, जब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लो एसिडिक स्टैंड को हमारे पास क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक हो गया। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं, कहता है दिस इज बिकॉज कहता है इन एचएफ मॉलिक्यूल एच जो एफ है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये हम लोग सकते हैं टेबल से इसको जो सकता है वो भी कर चुके हैं, सही है। और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या करता है, जिसकी वजह से देन हाइड्रोजन, ठीक है, विच मेक्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे पास फ्लोरीन होता है उसको क्या कर देता है पार्शियल
जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होता है वो इंट्रैप्ट हो जाता है। इंट्रैप्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंस जाना। किनके दरमियान में? टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लोरीन के। फ्लोरीन के दो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फंस जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रिमूव करना जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारे पास ये वीक एसिड जो होता है वो क्या होता है? कंसीडर होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर था, जो कि हमारे पास फिफ्थ हमारे पास टाइप थी क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। और हमने देखा कि किस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किस तरह वाटर मॉलिक्यूल जो साधारण मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और बाकी जो हमारे पास है किस तरह अमोनिया हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और किस तरह HF जो होता है वो वीक एसिड कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आपने इसको जो होता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन का करना है, फिर करना है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना।